जो कहा ना हमने किसी से तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। क्या जरूरत थी स्टंट दिखाने की? पहले हाथ में फ्रैक्चर है। हाँ जी, जब ऐसी नजरें चुराती हैं तो मुझे लगता है जैसे जैसे क्या मैं बेवफाई कर रही हूं? नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिर क्या लगता है? ये लगता है कि जैसे मैं अगर पूरी दुनिया की ताकत भी हासिल कर लूं ना, तो शायद आपके और मेरे बीच की दीवारें ना गिरा पाऊं। शायद शायद में ही छुपी है उम्मीद। शायद वो लफ्ज़ है कि वक्त के साथ इसके मायने बदल सकते हैं। सनार जो वादे मैंने तुमसे किए हैं, मैं उनसे फिरने वाली नहीं हूँ। फिर ये तो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट का गवाह खुदा है, और जब खुदा किसी चीज की गवाही लेता है तो उसकी हिफाजत भी वो खुद करता है। ठीक कह रही हैं आप। शायद शायद यही मेरे तवक्कुल का इम्तिहान है। जब सारे डर निकाल दिए हैं दिल से, तो फिर ये डर भी निकाल दो। मुसीबत ये है कि वो सारे डर दिमाग में थे, दिल में नहीं। क्या हुआ? अब मैं उठाती हूँ। मैं कर लूँ? कभी जो कहा ना हमने किसी से तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। अलाम साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। पूछ रहे थे तुम्हारा। आपने बताया नहीं? कुछ कुछ। आते जाते राहों में उसको जो मिल गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Thank you for everything. मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता। पहली बात, आपकी जगह कोई और नहीं होता। दूसरी बात, मेरी आज तक किसी ने इतनी परवाह नहीं की। माँ करती थी, फिर वो चली गई।
और उनके साथ साथ मेरा वाहिद ख्याल रखने वाला भी। क्यों, शैला आंटी भी तो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। तुम्हारे लिए आज खाना बनाया है उन्होंने। चले ध्यान से। अच्छा है, इस बहाने उनके सारे लोगों को उनके हाथ के जायके का तो पता चलेगा। ठीक हो? तुम्हें वाकई लगता है कि शैला आंटी ने खाना तुम्हारे घर आने की खुशी में बनाया है? झूठा ही सही, किसी के खुलूस को टुकराना अच्छी बात नहीं है, पर फिर वो माँ के दर्जे पे फायज है और ये रुतबा खुदा ने उन्हें दिया है, अब वो माने ना माने। क्या हुआ? बस देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? यही कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुम्हारी ये बातें सुनकर किसी को कभी तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? बिल्कुल ऐसे। तुम्हें पता है जब उस दिन डीएसपी साहब ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया था बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, हॉस्पिटल में एंटर होने से लेकर उस कमरे में जाने तक उस बॉडी तक पढ़ने तक अल्लाह से सिर्फ एक दुआ कर रही थी, इस चादर के नीचे सलाना। बस सिर्फ एक दुआ। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जब कोई किसी के लिए, जब कोई अपनी दुआ के हक से दस्तबरदार हो जाए उसके लिए कितना अहम होगा। जानते हो ना? आओ सुनाऊं कहानी मुख्तसर राजा और रानी की। नजर में ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। खुद की खबर ना उसको ना था कोई पता, हक से जीने की ख्वाहिश थी ख्वाबों का दिया। मिल जाए ऐसा कोई समझे जो मन की बात, उसकी थी अपनी दुनिया थी अपनी कायनात। आओ सुनाऊं कहानी मुख्तसर राजा और रानी की।